शाइन बाइक में बहुत बार प्रॉब्लम आती है, और जहाँ पर हमारी वर्कशॉप है वहाँ के भी बहुत सारे मैकेनिक भाई ने बोला कि शाइन बाइक में बार बार बाइक बंद, ठीक स्लो करो तो स्पीड तेज़ हो जाएगी, और अगर आप तेज़ करते हैं तो स्पीड इतनी तेज़ रहेगी कि आप जैसे एक्सीलेटर डाउन करते हैं चलाते समय तो वो बहुत तेज़ बनी रहती है, फिर वो तेज़ नहीं होती, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, और अगर आप स्लो करते हैं तो बार बार बाइक बंद होती है, ठीक। ये प्रॉब्लम पहले मैं आपको दिखाते हैं किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, फिर किस तरीके से उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए, मेरे सामने एक बाइक खड़ी है, ये क्या होता है, बार बार बाइक बंद हो जाती है, ठीक। अगर हम इसको स्पीड बढ़ा दें, ठीक, तो ये स्पीड क्या होता है, तो यानी स्पीड बढ़ा देते हैं तो ये स्पीड तेज रहती है, ठीक। अगर हम सोचें इसको स्लो कर दें तो स्लो करने में क्या होता है, बंद होने लगती, ठीक। यानी अगर हम स्लो कर देते हैं तो ये जल्दी से, यानी बाइक, ये बाइक यानी स्लो करते ही बंद होती है मेरे दोस्त, और तेज़ स्पीड करते हैं तो इसकी स्पीड तेज़ बनी रहती है, ठीक। इसीलिए हम आपको पहले प्रॉब्लम बताते हैं, बता दिया, अब हम इसके बाद किस तरीके सॉल्व करना, ठीक मेरे दोस्त, क्या करना है इसको, हमें सबसे पहले अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होती है इसका चोक देखना है, ठीक, चोक देखना है, स्पार्क प्लग करंट देखना है, ठीक। इससे प्रॉब्लम नहीं होती, ना स्पार्क प्लग से और ना प्लग से, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गैपिंग ज़्यादा होती है तो उसके कारण भी दिक्कत होती है, तो प्लग का गैपिंग 0.8 से 9 mm तक रहना चाहिए, पॉइंट यानी 8 mm या 9 mm इसके आसपास, ठीक। उसके साथ जो चोक होती है मेरे दोस्त, चोक कभी कभी क्या होता है, फंसी रहती है, यानी पूरी नीचे नहीं आती, उसको ध्यान देना। फिर उसके बाद जो टाइपिड सेटिंग है, और बाइक की अपेक्षा साइन बाइक का लूज रहता है, उसको हम आपको दिखाते हैं, उसी कारण मेन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम आपको पहले ये बताते हैं, फिर चोक दिखाते हैं, ठीक है दोस्त। मेरे देखिए, अब हमने इसका चोक का सिस्टम पहले आपको दिखा देता हूँ। ये चोक का सिस्टम है, यानी ये इतना फ्री है, ये फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये टाइट रहेगा तो चोक इसकी खींची रहेगी और फिर आपको दिक्कत करता रहेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि यानी चोक इसकी बिल्कुल फ्री है, ठीक, चोक फ्री है। अब हमको क्या देखना है, इसका टाइपिड, विशेष करके टाइपिड से प्रॉब्लम होती है, प्लग हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन टाइपिड से प्रॉब्लम हो उसको दिखा देते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त देखिए, प्लग का गैपिंग होना चाहिए 8 mm से 9 mm के लगभग, यानी 8.5 पॉइंट तक, पॉइंट्स यानी यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, ये 7 mm, यहाँ 8 mm, यहाँ 9 mm, ठीक। तो हमको क्या रखना है, 9 के आसपास रखना, ठीक, 9 mm से आसपास, ठीक। तो यहीं पर हम रखते हैं, ठीक, गैपिंग, ठीक है मेरे दोस्त। और इससे क्या होता है कि इससे गाड़ी की जो, यानी जो मिसफायरिंग नहीं होती है और जो स्टार्टिंग होती है वो भी बिल्कुल बेहतर रहती है, ठीक है। तो ये हम आपके सामने चेक करके दिखा दिया, ठीक मेरे दोस्त देखिए, अब हमने इसका टाइपिड खोल दिया, और टाइपिड का अगर ये वाला पॉइंट नीचे करेंगे तो टाइपिड यहाँ टाइट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, टाइपिड लूज है, ठीक, जैसे आपके सामने दिखा रहे हैं कि टाइपिड लूज है, ठीक, और ये वाला भी लूज ही है, ठीक। अब हमको सेटिंग करना है, ठीक, सेटिंग करना है इसका, लगभग में बराबर रखना होता है, कंपनी जो बताती है वो लगभग में 9 से 10 mm के लगभग में बताती है हीरो की बाइक में, ठीक है मेरे दोस्त। पर क्या होता है, जैसे अगर आप इतना ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है, तो आपको रखना कितना है, 0.5 mm, ठीक। तो उतना रख करके हम आपको दिखाते हैं कैसे सेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखिए, अगर हम आपको दिखा पाएँ, वैसे ये दिख नहीं रहा मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लिखा है यहाँ पर 0.0, यानी कैमरे वाले भैया से कहेंगे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हिलावें नहीं, और इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यहाँ जो दिखा हुए, यहाँ देखिए 0.5 mm, ठीक, इस जगह पे दिखेगा, ठीक मेरे दोस्त। तो इस तरीके से ये है, ठीक, इस तरीके से आपको 0.5 mm ही यानी रखना, 0.5 mm। मेरे दोस्त अक्सर क्या होता है, ये टाइपिड ज़्यादातर हमने देखा है कि जो मैकेनिक भाई हैं वो ज़्यादातर टाइट रखते हैं, ठीक। लेकिन और अदर बाइक जैसे बजाज की बाइक होती है उसमें टाइट चलता है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन जो इस तरीके से इंजन होते हैं, जैसे हंक होता है, साइन होता है, यामाहा की बाइक होती है, जो यामाहा की कुछ बाइक होती है जैसे मेरे दोस्त, तो उन सब बाइक में जिस तरीके से इस डिज़ाइन में इंजन होते हैं, तो अगर इसके हमने ज़्यादातर लूज ही देखा है, लूज ही रखा है, अगर हम टाइट कर देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको लूज ही रखना है, और लूज कितना रखना है, 0.005 mm के लगभग, ठीक। तो इस जगह पर अभी ये थोड़ा सा हमने इसको कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा,
ज़्यादा लूज समझ में आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, देखिए ये ब्लेड से हमने थोड़ा सा किया और ये देखिए बिल्कुल पत्ती जो है फ्री फ्री जा रही है। ठीक, इस तरीके से, यानी ये पत्ती पकड़ रही है लेकिन बिल्कुल फ्री फ्री। और इस साइड दिखाइए मेरे दोस्त, देखिए अगर इधर हम लगाएं तो इधर कुछ ज़्यादा ही फ्री दिखता है। ठीक, इधर कुछ ज़्यादा फ्री दिख रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इधर भी हमको टाइट करना है, उधर से ही थोड़ा टाइट किया, इधर भी थोड़ा टाइट करके दिखाते हैं आपको। मेरे दोस्त देखिए हम थोड़ा टाइट कर रहे हैं, ये टाइट हो गया ज़्यादा। ठीक, इसको थोड़ा फ्री और करना है। ठीक, अब हम थोड़ा फ्री कर दे, मेरे दोस्त देखिए थोड़ा सा अब ये देखिए फ्री हो गया। ठीक, थोड़ा सा, यानी देखिए इसको अगर हम इसको ले लगा रहे हैं तो यानी ये फ्री फ्री जा रहा है। ठीक, यानी ये फ्री फ्री जाना चाहिए उस साइड भी इस साइड भी। ठीक, अगर उधर थोड़ा कम जाए तो इधर ज़्यादा फ्री रहे, इस तरीके से आपको रखना है। ठीक मेरे दोस्त, अब इसी के आसपास रखना है। ठीक, और हमने आपको जैसे बताते हैं, अगर इस तरीके से हमने जितनी बाइक बनती हैं साइन की और साइन में या जो हांडा की बाइक होती है तो ज़्यादातर लूज ही रखते हैं, तब बिल्कुल उसका साउंड सही होता है और फिर बंद नहीं होती सिलो में और बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास चलती है। ठीक है मेरे दोस्त, देख लीजिए हम आपको दिखा देते हैं, इधर भी थोड़ा सा हमने इस तरीके से यानी प्ले रखा है और इस साइड भी हमने प्ले रखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझे मेरे दोस्त, यानी इधर भी प्ले है और इस साइड हम आपको दिखा पाएँ तो इधर भी थोड़ा सा प्ले। ठीक, तो 0.5 mm आवाज़ रखते हैं तो सही सेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको बांध करके स्टार्ट करके तब दिखाते हैं आपको। मेरे दोस्त, ये जो बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, यहाँ पर बहुत कच्ची चूड़ी होती है, यानी अल्मीनियम में बहुत ताकत नहीं होता है, इसलिए आपको अपने हाथ से इसको कोशिश करना टाइट करना, किसी बच्चे के नहीं लगाना कि आप टाइट कर दो, अगर ज़रा से भी ताकत ज़्यादा लगाए तो स्लिप हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त, हमने इसका टैपेट कवर बांध दिया। ठीक, यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, मेरे दोस्त क्या है, अगर आपको अगर इस तरीके से भाई हम जैसे इसको सिलो में बंद हो रही तो इसको सेट कर देना। ठीक, जैसे सिलो में बंद हो रही तो इसको थोड़ा सा सेट कर देना। ठीक, कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बाइक सेट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पेट्रोल डलवाना है उसके अंदर थोड़ा सा, जैसे आप 200 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं, लगभग में 3 लीटर में आप 40 ml 2TL डलवा दें। अगर आपको ये दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक मेरे दोस्त, अब देखिए हमने इसी तरीके, हम आपकी कोई भी बाइक होती है तो इसी तरीके से कोशिश करते हैं सही करें। ठीक मेरे दोस्त, रेस लेके दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप देख लीजिए, इस तरीके से यानी प्रॉब्लम हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, अब यानी ये स्लो है और आराम से, यानी कोई दिक्कत नहीं कर रही। ठीक, जो आप लोगों की कई गाड़ियों में इस तरीके से प्रॉब्लम थी, आप ये टैपेट सेटिंग करेंगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा। और अगर टैपेट सेटिंग से अगर नहीं समझ में आता तो चोक देखना है, प्लग देखना है, और उससे भी नहीं आता तब आपको पेट्रोल टंकी में 3 लीटर पेट्रोल में 40 ml तक 2TL डालेंगे, 2TL डालेंगे तो सही हो जाएगा। 2TL इसलिए डाला जाता है, जैसे कहीं पर भी कोई भी वाल अगर लीकेज कर रहा, क्योंकि वाल जब चलता है तो घूमता है, तो वो उस वो ऑयली आ करके, यानी थोड़ा वो रूखापन को ऑयली करके बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है और वाल उस जगह एयर जो लीक करने लगता है वो लीकेज नहीं करेगा। ठीक मेरे दोस्त, तो जो भी जानकारी थी हमने बताना चाहेंगे मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।